Il diavolo mi ha valito sul cuore! दोस्तों मेरा नाम देव अग्रवाल है, आप देख रहे हैं इस वीडियो को आपका चैनल। यहाँ हम आपको बताएंगे आईफोन, एक आईफोन 6 मेरे स्टूडेंट से मिला हुआ है, दिखाइए यहाँ पर, ये देखिए ये आईफोन 6 मिला हुआ है स्टूडेंट से और ये पूरा वर्किंग मोबाइल है और इस मोबाइल में लीकेज है जो वो ऑलरेडी किसी टेक्नीशियन को देखिए, दिखाइए इधर दिखाइए, देखिए ये चालू फोन है पर ये लीकेज कंडीशन में है। तो ये देखिए ये चालू फोन है ये पर ये लीकेज कंडीशन में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो आते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के या फिर जो हमें अलग से कुरियर मिलते हैं, हम उनको बनाते हैं और उनको कुरियर करते हैं और ये हमारे स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा प्रैक्टिकल्स होता है। तो यहाँ पर ये आईफोन 6 है, इसमें लीकेज है और इसमें बैटरी ड्रेन हो रही है और स्टूडेंट कहीं भी फ़ोन जहाँ भी दिया था वो बना नहीं पाया उसको। तो बेसिकली क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो पूरा अगर वीडियो देखना है तो शुरू से आखिरी तक देखिए। और अगर आईफोन ज्वाइन करना है, अगर आपको लगता है कि एशिया टेलीकॉम आपको आईफोन सिखा सकता है 15 दिनों में गारंटी कोर्स, जो कि गारंटी की कोई बात नहीं करता है दोस्तों, आप पूछिए आप जिस भी इंस्टीट्यूट जा रहे हैं कि वहाँ पे आपको गारंटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, गारंटी की बात कोई भी नहीं करेगा क्योंकि उनको खुद पर विश्वास नहीं है। यहाँ हम आपके पर गारंटी की बात करते हैं, हर स्टूडेंट को हम यहाँ पे सिखा कर भेजेंगे और लाइफ टाइम सपोर्ट हर कोई दे रहा है, पर किस तरह का दे रहा है कि हर किसी के वहाँ व्हाट्सएप में टेलीग्राम हर किसी के पास है दोस्तों। हम यहाँ पर जो सपोर्ट देंगे एनी टाइम यू कैन विजिट और वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री, अपने फोन्स फॉल्टी फोन भी ला के आप यहाँ रिपेयर करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी एशिया टेलीकॉम के साथ। सो ये वीडियो पूरा देखिएगा, हमारा नेक्स्ट 15 मार्च का हमारा हर महीने का 15 तारीख का बैच है और जो हमारे ट्रेनर हैं, जो हमारे मैं भी आईफोन की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट मैं भी आईफोन की ट्रेनिंग में एज अ टीचर हूं और मेरे साथ जो एक और ट्रेनर हैं वो ऑलरेडी काफी 15 सालों से एक्सपीरियंस है, जब से आईफोन आया 2008 से तब से वो आईफोन पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा हमने सारे वीडियो डाले। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो एशिया टेलीकॉम नीचे वीडियो लिस्ट में टिक करो और बहुत सारी आपको लाइन से वीडियो दिखाई देगी। आप दूसरे चैनल पे जाइए, लिखिए गूगल में या फिर लिखिए यूट्यूब में देवरत्न अग्रवाल तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, या लिखिए फिरोज टेक्निकल तो हमारे फिरोज सर का चैनल आपको मिल जाएगा, या लिखिए आप यहाँ पर स्मार्ट टेक्निकल तो आपको रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल के मिल जाएंगे। आप हमें यूट्यूब में, हमें फेसबुक में आप हमें सर्च कर सकते हैं। सो ज्वाइन कनेक्ट रहिए और सीखते रहिए हमेशा। सो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्योंकि फोन में लीकेज कंडीशन है तो अब हम इस फोन को आपको दिखाते हैं इसका बूटिंग सीक्वेंस क्या है। मेन क्या होता है दोस्तों कि बूटिंग सीक्वेंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कब बूटिंग सही हो रही है कब बूटिंग सही नहीं हो रही है। अगर आप बूटिंग सीक्वेंस अगर आपका सही आपको बूटिंग सीक्वेंस नहीं पता होगा तो आप कोई सा भी फोन नहीं बना सकते हैं। जो बूटिंग सीक्वेंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर अब देखिए इस आईफोन में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर तो यहाँ हमने पूरा सेटअप कर लिया है, यह हमारा थर्मल कैमरा है क्योंकि ये लीकेज कंडीशन है। हमारे पास लीकेज ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं, थर्मल कैमरा के अलावा भी हम बहुत शॉर्ट माइनर तरीके लीकेज में आपको फाइंड आउट करने की टेक्निक सिखाएंगे और बेसिकली आज हम आपको थर्मल कैमरा से भी सिखाएंगे क्योंकि वो टेक्निक हम रिवील नहीं करते अपनी, ये क्लास में आके आपको मिलनी पड़ेगी। कुछ ट्रिकें होती हैं, कुछ नॉलेज होता है जो आपको इंस्टीट्यूट के अंदर ही आप आएंगे तो आपको मिलेगा, बट बेसिकली सिर्फ ट्रिकों से नहीं चलता है, प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है कि किस तरीके से करना है, आईसी कैसे निकालना, क्योंकि आईफोन में आईसियां कोई खेल नहीं होता है। एक 40-50 हजार रुपए के मोबाइल होते हैं क्योंकि आपने गलती से भी अगर गलत कर दिया, ज्यादा हाइट कर दी किसी आईसी को तो आपको फोन डेड हो जाएगा और आपको पूरा दुकान बेच बाच के भरना पड़ेगा। तो ये इसलिए आईफोन पे काम तभी कीजिए जब आपको लगे कि आप एक्सपर्ट बन गए हैं और एक्सपर्ट बनते हैं आप जब आप एक प्रॉपर नॉलेज लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये जो पीसीबी है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा आप ऊपर। तो सबसे पहले पीसीबी में आप में से आई स्कैनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप यहाँ पर पहले क्या क्या काम हुआ है, जैसे कि स्क्रू होल के अंदर स्क्रैचिंग तो नहीं है, जनरली स्क्रू होल के अंदर स्क्रैचिंग होती है तो वहां पर भी हमारा काम हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि कई लोग स्क्रू होल में ज्यादा टाइट करने के चक्कर में स्क्रू होल कर देते हैं। तो आपने नॉर्मल अलग अलग जगह पे स्क्रैचिंग देखनी है, जनरली आपको आई स्कैनिंग करते हुए चलना है। देखिए यहाँ पर सीपीयू पे कोई भी काम नहीं हुआ है क्योंकि सीपीयू की सील्ड लगी हुई है। उसके नीचे आप जाएंगे तो हमारा सिम कनेक्टर लगा है, उसके नीचे हमारा नेटवर्क सेक्शन में हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है पतरा,
इसका मतलब इससे पहले कि जिस भी टेक्नीशियंस के पास गया था वहां पर इसने इसके इस पर काम किया हुआ है। और तो दोस्तों जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम इससे पहले भी खोला था तो ये जो आईसी थी थोड़ी टेढ़ी सी मिली थी, जिसको हमने थोड़ा सा बाद में इसको निकाल के फिर से वापस इसको रिमाउंट किया हुआ है। और अब हम यहाँ पे और चेक करेंगे, पीछे हम चेक कर लेते हैं कि पीछे का भी पावर का पूरा केस उतरा हुआ है, इसका मतलब इस पे भी काम हुआ है और शॉर्टिंग ढूंढने की कोशिश की गई होगी। देखिए वाईफाई आईसी नहीं निकाली, पूरा पेस्टेड है, कंपोनेंट सारे लगे हुए हैं। और ये भी आपको चेक करना है कि कंपोनेंट कहीं से निकले तो नहीं है, क्योंकि इसमें I2C I2S कंपोनेंट होते हैं, अगर वो बूटिंग ना करें आपके तो आपका सेट डेड हो जाता है। कंपोनेंट आईफोन में एंड्रॉइड जैसे नहीं होते कि कैपेसिटर निकाल दिया और सेट चालू हो गया, यहाँ आपको पूरे कंपोनेंट वापस लगाने होते हैं। आपको इस कैपेसिटर को क्या होते हैं, कैपेसिटर कौन से कैपेसिटर होते हैं, कैसे चेक करना है, क्या करना है, सारी टेक्निक हम यहाँ पे आपको बताते हैं। ये क्रिस्टल किस काम का करता है, ये आईसी क्या होती है, ये आईसी ये जो टच आईसी है सिर्फ टच आईसी बदलने से टच काम नहीं कर सकता, इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं, जो कैपेसिटर्स हैं, वो इस आईसी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इस आईसी को कहाँ से एक्टिव वोल्टेज मिलते हैं और इस आईसी को कहाँ से VDD मिल रहा है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये पावर आईसी है, तो देख रहे हैं यहाँ पर आपको देखना है यहाँ पर कि कोई सोल्ड का पॉइंट तो नहीं बना, कोई कैपेसिटर यहाँ पर आपको कोई जला हुआ तो नहीं दिख रहा है, ब्लैक कलर तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपका एप्रोम है, सेक्शन है, ये आपका SGD या हार्ड डिस्क है आपकी, यहाँ पर भी देखिए सारे कैपेसिटर बराबर लगे हुए हैं, तो मतलब यहाँ पर निकाला कुछ नहीं गया है, सिर्फ चेकिंग करने के लिए दिया होगा। देखो U2 लगा हुआ आपका और एक पेस्टेड है, इसको भी नहीं निकाला नहीं गया है। ये आपका नेटवर्क सेक्शन है, ये PP आपका BBPP है, दो CPU होते हैं हमारे फोन में, एक AP और एक BB। AP होता है एप्लीकेशन प्रोसेसर, BB होता है बेसबैंड, आपका बेसबैंड प्रोसेसर होता है, सो बेसबैंड CPU बोलते हैं उसको हम। तो बेसबैंड CPU की भी खुद की पावर IC होती है, ये आपका रिंगर IC, तो ये सारी चीजें जो वाइब्रेटर IC ये सब लगा हुआ है सेक्शन वाइज, तो यहाँ पर हमको ऐसा कुछ फॉल्ट तो नहीं मिला। सो जनरली क्योंकि ये प्राइमरी लीकेज है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर जो ये सेट बूट कर रहा है, इस बूटिंग का मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये सेट क्या बूट कर रहा है। देखिए हमने DC को 4.2 पे सेट किया हुआ है, ये हम यूज कर रहे हैं iPower Max, यहाँ पर दिखा दीजिए, ये हमने लिए हुए ZX Malib से, जो की काफी OG एक ओरिजिनल पार्ट को डिलीवर करते हैं और बहुत कम रेट पे, और ऐसे टेलीकॉम में देंगे आप लोगों को बहुत अच्छा एक ऑफर, मतलब डिस्काउंट के साथ और लाइफ टाइम वारंटी, आपके जो सॉफ्टवेयर से डोंगल्स होते हैं वो सब लाइफ टाइम वारंटी आपको मिलते हैं। बाकी ऐसे टेलीकॉम कोई भी डोंगल्स है किसी प्रकार के टूल में सेलिंग नहीं करता, हमारे जो सपोर्टर है और जो हमें प्रमोटर जो हमारे सपोर्टर है और जो एक तरह से जो हमें सपोर्ट करते हैं वो है ZX Malik। तो आपको अगर उनसे टूल्स खरीदना है तो आप उनको नंबर उनको कॉल कीजिए, गूगल में ZX Malik भी लिखेंगे तो उनका आपको पेज मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम 6G है हमारा, तो हम इसको 6G में देखो। सबसे पहले मैं इसको बूटिंग बताना चाहता हूँ, अगर मैंने इसको लगाया और डायरेक्ट Auto MP लिया तो मतलब ये प्राइमरी लीकेज है। अगर इसको लगाया और क्योंकि इस फोन में लीकेज है और ये बैटरी ड्रेन हो रही है iPhone 6, तो अगर मैंने इसको लगाया और ये जीरो रहा और पावर ऑन करने के बाद फिर जो बूटिंग सीक्वेंस होना चाहिए अगर उसमें अबनॉर्मल बूटिंग हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये सेकेंडरी लीकेज है। जो कि सेकेंडरी लीकेज में कौन सी लाइन लीकेज होती है, क्या सीरीज, क्या आपके पैरेलल, ये सारी चीजें चेक करने के लिए मैं आपको पूरा सेक्शन वाइज बताऊंगा यहाँ पर, जो कि पूरे इंडिया में इतना अच्छे और डीपली लेवल पे कोई नहीं बता सकता है। हमारे स्टूडेंट के रिव्यू होते हैं, आप जब भी कमेंट्स पे देखें या कहीं पे भी स्टूडेंट के चेहरे पे जब आप देखेंगे कि वो जो कॉन्फिडेंस होता है, वो जो बोलता है यहाँ पर, क्योंकि वो हमने जब भी यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइव मोबाइल बनाते हुए डाला हुआ है। तो अब हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ तो देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख रहे होंगे 0.073 मिली एम्पियर, इतना मिली एम्पियर ये ले रहा है करंट। तो ये जो करंट कंजप्शन हो रहा है यही वजह है कि लीकेज है, तो ये देखते रहिएगा, हम इसको बनाएंगे iPhone 6 लीकेज 0.073 अभी न जब इसको बनाए, अगर ये सही बन गया तो ये लगाने पर यहाँ पर 0.00 ही आना चाहिए। तो बेसिकली ये तो हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी कैसे क्या बूट क्या बूट के आपकी रीडिंग होनी चाहिए एम्पियर की, सब कुछ बहुत डिटेलिंग में, सिर्फ CPU निकालना लगाना आईफोन नहीं होता है। जनरली जो दुकान वाले होते हैं जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ CPU निकाल कर लगवा के सिखा देते हैं, पर उनको देसी भाषा चाइनीज की बात करूं बैकअप सपोर्ट तो उनसे मिलने का रह नहीं है, ना ही वो उतने डीपली में समझा सकते हैं क्योंकि आपकी कन्वर्सेशन में गैप रहेगा।
सो देखिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ थर्मल कैमरा, आप थोड़ा सा यहाँ पर दिखाइए। पहले देखिए मैंने यहाँ पर पीसीबी नीचे रखी हुई है। दोस्तों ये एक इजी वे है फाइंड आउट करने का, पर जरूर हर बार थर्मल कैमरे से भी चीजें नहीं निकलती है। मैं आपको बता दूं कि हर वक्त थर्मल कैमरे से चीजें नहीं निकलती हैं। दिस इज नॉट द 100% सॉल्यूशन, दैट व्हाट इज द 100% सॉल्यूशन। सो जॉइन द इंस्टीट्यूट एंड टेक इट एंड डू इट योर ऑन वे, वेरी प्रोफेशनल, इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर्स। सो जो भी सीखना है अच्छे से सीखे। अब मैं यहाँ पर VCC दूंगा, बेसिकली जो VBAT दूंगा और ये VCC में कन्वर्ट होगा। अब देखिएगा यहाँ पर तो यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है किसी प्रकार की शॉटिंग। और जैसे मैं यहाँ पर, तो आप ये और ये दोनों चीज देखिएगा। देखिए जैसे मैंने लगाया तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इस आईसी के पास यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर शॉटिंग आ रही है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है इस आईसी के बाद, इस आईसी के ऊपर शॉटिंग आ रही है। और अगर मैं इस आईसी को थोड़ा यहां से दिखाऊंगा कि, अच्छा मैं इसको पूरे पीसी में दिखा देता हूँ, पीछे दिखा देता हूँ, यूट्यूब के पास में कहीं शॉटिंग तो नहीं है। देखिए मैंने इसको पीछे पलटा और यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई शॉटिंग नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए ये जो दो पीए लगे हमारे, इस पीए के बगल में ये जो सेक्शन है ये गर्म हो रहा है, तो बेसिकली आईसी का फॉल्ट हो सकता है। तो इसको देखिए मल्टीमीटर इधर आ जाइए और इधर मल्टीमीटर दिखाइए। सर देखिए सबसे पहले हमने इसको डीप मोड पे रखा, ये हमारा फ्लुक का मल्टीमीटर है ओजी। देखिए डीप आ रही है, अब हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए ऊपर दिखाइए, तो देखिए यहाँ पर ये जो कैपेसिटर्स है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको सच बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, छोटी सी ट्रिक मैं आपको देना चाहता हूँ कि किसी भी आईसी को कभी भी डायरेक्ट मत उठाइए, हमेशा उस आईसी के आसपास पहले सारे कैपेसिटर चेक कीजिए। तो हम पहले कैपेसिटर चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर तो ऊपर देखेंगे हम यहाँ पर, और बीप की आवाज सुनिएगा, अगर कैपेसिटर दोनों तब बीप नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए, क्यों सीरीज में लगे होते हैं, क्यों पैरेलल में, पता करना है तो ज्वाइन करो इस टेलीफोन। आलोक की आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, देखिए ये शॉट नहीं है, ये भी शॉट नहीं है, ये भी शॉटिंग नहीं है, ये भी शॉट नहीं है। देखो ये शॉट है, एक ये शॉट है और एक ये शॉट है। आपको जैसे कि दो कैपेसिटर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये भी शॉट दिखा रहा है हमको, फिर से एक बार दिखाना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ। देखिएगा एक दो और तीन, अब देखिए इधर आइए, आओ यहाँ पर अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में हम देखेंगे ये ZXW है, बूजिंग ZXW जिंग जाओ, जो भी पॉसिबल हो सकता है सारी चीज़ हम यहाँ पर ट्रेंड को पूरा गाइड करते हैं और बहुत अच्छे से उनको डीपली लेवल पे एग्जांपल दे रहे के उनको हम यहाँ सिखाते हैं ताकि उनके लिए इतना सरल हो जाता है। तो यहाँ पर ये मेरा आईफोन का सेक्शन है, ये मेरा आईफोन का अपर बोर्ड है और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये दो PO के बगल में, ये देखिए तो ये वो कैपेसिटर लगा हुआ है।
और ये इसका डायग्राम है। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर की बात करेंगे, ये देखिए, और ये इस आईसी के साथ जाके यू अंडरस्कोर क्यूपी आईसी है, जो यहाँ जाके इसके ओएल, मतलब यहाँ पर ये इसका आउटपुट भारी आउटपुट है, और इसके साथ सीरीज में कॉयल है। अच्छा, जो यहाँ पर हमने चेक किया वो एक कॉयल है, इसलिए वो दोनों ओर बीप दे रहा था। और आप थोड़ा सा नोटिस करोगे कि इस कॉइल की वजह से ये यहाँ पर बीप दे रहा था। अगर ये कॉइल हटा दूं तो ये कैपेसिटर बीप देना बंद कर देगा। तो बेसिकली इन दो कैपेसिटर में एक ही कैपेसिटर है जो कि शॉर्ट है, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर ये जो है वो शॉर्टिंग इस आईसी की वजह से है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर पे काम करते हैं, उसके बाद फिर हम आईसी पे काम करेंगे। अब बेसिकली पर हम कॉइल हटा के देख सकते हैं कि कौन से कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है। तो क्योंकि हमको जो आ रहा है वो जनरली इधर साइड आ रहा है, तो पहले मैं कैपेसिटर पे वर्क करूंगा, फिर मैं ये उसके बाद मैं ये निकालूंगा, और फिर बाद में इस आईसी पर काम करूंगा। और यहाँ अगर हम देखें तो ये है C4406, और जब हम इसको डायग्राम में देखेंगे तो हम यहाँ पर इसको सर्च देखिए C4406 यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा है, और इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं। ये एक बूस्ट फिल्टर की लाइन में लगा हुआ है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी सेक्शन में, और ये वो कैपेसिटर है सी। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डायग्राम आपको आना चाहिए यहाँ पर, ये देखिए। और ये देखिए इस तरह से ये आपको ये दिख रहा होगा, वी इनपुट वोल्टेज एक इनपुट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 10 माइक्रोफेराड का ये कैपेसिटर है, और 6.3 वोल्टेज की क्षमता है इसकी झेलने की। और ये C4003 जो कि ये लगा हुआ, देखिए ये लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला कैपेसिटर है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, देखिए एक कैपेसिटर ये और एक ये, तो बीच दोनों में इसलिए आ रही है क्योंकि सीरीज में कॉइल लगा हुआ है। अगर ये हटा दे कॉइल तो हमें पता चल जाएगा कौन सा कैपेसिटर हम बीच दे रहे हैं। तो देखते हैं, हमेशा टिश्यू पेपर, अगर आप नीचे ये नहीं रखना चाहते तो टिश्यू पेपर रख के काम कीजिए, क्योंकि टिश्यू पेपर नहीं रखेंगे तो आपकी आईसी फक सकती है। ऊपर देखा, और सिल्वर टेप किधर है? प्रोटेक्शन के लिए हम टेप यूज कर लेंगे। ये होता है सिल्वर टेप, ये हमारे हीट को रेजिस्ट करता है, और टेप, और आप सिल्वर फॉइल भी लगा सकते हैं, पर वो चिपकता नहीं है, और आप व्हाइट येलो कलर का हीट रेजिस्टेंट टेप लगा सकते हैं। ऊपर हमारा बेसमेंट सीपीयू लगा हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि इस पे हीट पड़े, डबल लेयर से हम उसको देखें, जितना हो सकता है दोस्तों प्रोटेक्ट रखो, क्योंकि पीसीबी कस्टमर की होती है, डाटा होता है उसमें, थोड़ा और भी आपका अगर आप प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे तो आपका फोन डेड हो सकता है, नेटवर्क जा सकते हैं फोन में, और ये विजन फिर बाद में अफसोस के लिए ही होगा कि अगर आप कर लेते तो। से कभी भी खींच कर मत निकालिए कंपोनेंट, हमेशा उसको प्योर हीट दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो रेफरेंस कैपेसिटर जो कि शॉर्ट था वो हमने निकाल दिया। हम यहाँ पर नया कैपेसिटर भी लगाएंगे। देखिए दोस्तों, पहले हम बूटिंग दिखाते हैं आपको, फिर आपको वापस हम यहाँ पर रीडिंग दिखाते हैं। तो अभी जो हमारा बूट हो रहा था वो बूट नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी बूट हो रहा है तो इसका मतलब जो ये आईसी है U_QP, तो ये आईसी हमारी ख़राब हो चुकी है।
ये मानेंगे ये हमारी लीकेज कर रही है, तो क्योंकि इसका ये 5 नंबर की पिन और ये 25 नंबर ये वाला कैपेसिटर तो हमारा लीक नहीं था, क्योंकि ये कॉइल की वजह से यहाँ से बीप यहाँ जा रही थी। तो देखते हैं, आईफोन 6 लीकेज कंडीशन रिटर्न फॉर मैनी सॉक्स स्टूडेंट का फोन। तो देखिए, तो ये मतलब अभी भी बूट कर रहा है, अभी भी यहाँ पर शॉर्टिंग जा रही है, मतलब हमको यहाँ देखिए हमको इसी आईसी पर यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। देखिए अभी भी यहाँ पर आपको शॉर्टिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो मतलब ये वाली आईसी U_Q वाली आईसी को हमको उसको निकालना पड़ेगा और उस पर हमें काम करना पड़ेगा। बेसिकली हमको यहाँ पर कैपेसिटर्स मिला था, हमने कैपेसिटर को निकाला था, उससे हमारा काम नहीं हुआ। तो चलिए देखिए, कंटिन्यू कीजिए वीडियो को, ऐसे स्टेप टू स्टेप फोन को बनाया जाता है। यहाँ पे हम कोल्ड टेस्टिंग कर लेते हैं और डायोड टेस्टिंग से हमें ये भी पता चलता है कि हमको रीडिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। पहले हम वी मोड पे चेक करेंगे, हम यहाँ पर डायोड रेंज में रखेंगे इसको और डायोड रेंज में हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे। तो यहाँ दिखाइए, यहाँ पर मल्टीमीटर में देखो, इधर जा रहा है बीपी, इधर जा रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए, वहां पर देखिए, वहां पे मैं कहाँ टच कर रहा हूँ इस कॉइल पर, और देखिए यहाँ पर जैसे मैं इस कॉइल पर टच कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है। और मैं इसको एक बार बीप मोड पे दिखाना चाहता हूँ आपको, ये है मेरा कंटिन्यूटी मोड, देखिए अभी भी जो बीप है वो मुझे आ रही है, क्योंकि जो शॉर्ट है वो मेरे ख्याल से ये आईसी है, तो इस आईसी पे काम करते हैं। चलिए देखिए, हमने आईसी निकाल दी है आईफोन 6 नेटवर्क आईसी। अब इस बार फिर से एक बार बूटिंग चेक की जाए इसकी। देखिए ऑलरेडी अभी 54 डिग्री सेल्सियस है, ये रिड्यूस हो रहा है, देखिए कम होता जा रहा है, क्योंकि पीसीबी हीट है अभी, तो एक बार ये 30 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए फिर उसके बाद हम इसको लगाते हैं और चेक करते हैं। और अब तक मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ज्वाइन करना है इसे टेलीकॉम। यहाँ आपको डायरेक्ट सोल्यूशंस तो मिलेंगे जो कि हर जगह दुकानों में मिलते हैं, यहाँ पे हम आपको
उस तरह के सोल्यूशंस देंगे जो आपको ए टू जेड तक है कि स्टेप वन पे क्या होना चाहिए, स्टेप टू पे क्या होना चाहिए। अगर एक रिंगर का हमने वीडियो डाला हुआ है, आपने देखा होगा, उस पर मैंने एक जो मोबाइल था, एक स्टूडेंट के ही घर का मोबाइल था, और उसमें उसने या पता नहीं किसी टेक्नीशियन ने ईएन सिग्नल को उसी मतलब बाईपास करने के चक्कर में या कुछ करने के चक्कर में उसे पैड निकाल लिए। जनरली लोग बाईपास कर देते हैं ईएन सिग्नल बाईपास करके बना सकते हैं, बैटरी ड्रेन भी हो सकती है, बट कैसे ईएन सिग्नल को सही तरीके से बनाए अगर, और वो तो एक 9 बॉल की थी, मैं 16 बॉल की बताऊंगा आपको। अलग अलग है ओप्पो में जो भी आ रहे, जैसे ओप्पो का तो बताया आपको, एमआई के फोनों में जो भी 40 बॉल का आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, अब ये 33 नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। अब हम इस पर डायरेक्ट VCC लगाएंगे, और VCC देखिए, अब हमने VCC लगाया तो यहाँ पे देखिए VCC, देखिए मेरा पूरा लगा हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बूट भी करवाऊंगा आपको सेट। ये देखिए, अब हमारे यहाँ पे शॉर्टिंग हट गई है, तो ये जो फोन लीकेज था इस IC की वजह से था, अभी हमारा फोन लीकेज नहीं है। और इसको हम पावर की दबा के देखते हैं, देखिए तो देखिए हमारा फोन ऑन कंडीशन में है, नॉर्मली बूट कर रहा है हमारा फोन, और फोन हमारा ऑन भी है और लीकेज भी नहीं है। तो बेसिकली इसका लीकेज भी हट गया है, तो मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आपको। तो अब देखिए, अब आपको यहाँ पर कोई भी देखिए, देखिए यहाँ देखिए पावर आई पावर मैक्स लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए ये देखिए ये बूटिंग भी ले रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मैंने ऑन किया, अभी ऑन नहीं कर रहा हूँ, वैसे दिखा रहा हूँ, देखिए लगा हुआ है और कोई भी लीकेज नहीं आ रहा है। तो हमारी लीकेज हट गया है और ये जो हमारा सोल्यूशन परफेक्ट तरीके से। तो बट हमने डायरेक्टली आईसी पे काम नहीं किया, हमने कैपेसिटर चेक किया जो कि हमेशा करना चाहिए, कैपेसिटर बीप आ रहे थे, और उसके बाद हम उस आईसी पर अब हम काम करेंगे। अब हम दूसरी आईसी को दिखा देंगे और उस सेट में लगा देंगे। ये एक बॉल आईसी है तो उसको पूरा रिवॉल्व करके लगाना होगा। कट कर दो, दोस्तों हमारी आईसी लग गई है, और ये कैसे हम चेक करें, हम अपने आईसी के आसपास के कैपेसिटर चेक करेंगे और रीडिंग चेक करेंगे कि जो हमारा ओएल है उस पर हमारा रेजिस्टेंस आना चाहिए 400 और 600 ओम के बीच में। देखिए अब हम यहाँ पर नीचे जी आर, यहाँ पे साहिब यहाँ सर यहाँ आ जाएंगे थोड़े, और यहाँ पर हम जी आर अपने दिखाएंगे, तो मल्टीमीटर दिखाएंगे। देखिए ऊपर एक बार दिखाइए स्क्रीन में, और फिर मल्टीमीटर दिखाइए। कॉइल हम चेक करेंगे, जो कॉइल हमारा बीप मार रहा था, देखिए अब कॉइल हमारा बीप नहीं मार रहा है, मल्टीमीटर दिखाइए। देखिए
कॉइल पर हमको यहाँ पर एक वैल्यू मिल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो चेक करते हैं एक बार, ये अब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं डीसी से, और ये हमने आईसी भी लगा दी है और कंपोनेंट भी अपना बिठा दिया है। पास लाइए, देखिए ये देखिए जो पहले आ रहा था, आप देख रहे होंगे बगल में पहले का सीन जो पहले आ रहा था, अब देखिए अब मैं इसका पावर की लगाता हूँ। देखिए ये देखिए, अब इसको ऑन करके देखते हैं हम बेसिकली। तो ये जो फॉल्ट था दोस्तों, ये एक लीकेज था आईफोन 6। हाफ शॉर्टिंग नहीं बोलूंगा मैं, लीकेज कंडीशन थी। और जनरली आप इसको हम बोर्ड में लगाते हैं, एक बार दिखा दीजिए यहाँ पर, इसको बोर्ड में लगाते हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट का मोबाइल था जो हमारे से एंड्रॉइड और सॉफ्टवेयर का जो हमारे से कोर्स कर रहे हैं। बोर्ड में लगा के दिखा देना जरूरी है, नहीं तो आप वीडियो में कमेंट्स आ जाएंगे कि सर आपने चालू करके नहीं दिखाया सेट, हालांकि डीसी से चालू करके दिखाया। फिर मैं बोर्ड में आपको यहाँ पर लाइव चालू करके दिखा रहा हूँ, और जो लीकेज है वो भी चला गया हमारे फोन का। देखिए मैं दिखा देता हूँ किस आईसी पे हमने काम किया, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि हमें यहाँ पे हीटिंग आ रही थी, फिर हमने कैपेसिटर हमें शॉर्ट मिला, हमने कैपेसिटर निकाला। तो उसके बाद फिर क्योंकि उसके बाद भी हमें शॉर्टिंग आ रही थी, तो हमने आईसी निकाली और आईसी निकाल के हमने उसको चेंज किया, और एक कैपेसिटर हमने और निकाला है, फिर हमने उसके बाद भी हमने कैपेसिटर और निकाला। तो बेसिकली दो कैपेसिटर निकालने का ये आईसी को रिप्लेस किया है, ये नेटवर्क सेक्शन की आईसी है, और तब जाके हमारा हीटिंग यहाँ पर गया है। और ये नॉर्मली टेक्निशियन फॉल्ट डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, जिस वजह से इसको स्टूडेंट हमारे पास लेकर आया। ये बैटरी में अभी चार्ज नहीं है, जनरली हमारे फोन की बैटरी पहले क्या था इसी की वजह से डिस्चार्ज हो रही थी बार बार, अब इसको हम चार्ज भी करेंगे पूरी अच्छी तरीके से। फिलहाल हम फोन को ऑन करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर पूरी होम स्क्रीन तक आने का वेट कीजिए दोस्तों, जो बूटिंग सीक्वेंस होता है उसको समझाया जाएगा आपको, आईसीओ पर काम करवाया जाएगा। छोटी से छोटी आईसीयां निकलवाऊंगा मैं आपसे, छोटी से छोटी आईसीयां मोबाइल फोन में कोई भी एक ऐसी आईसी नहीं होगी जो मैं आपसे निकलवा के लगवाऊंगा नहीं। और ये एसर टेलीकॉम का विश्वास है, ट्रस्ट है, और गारंटी देता है कि वो आपसे ये काम करवाएगा। और आपको आईफोन मतलब इतना आसान लगेगा यहाँ पर, जब आप पोज करके जाएंगे तो देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। तो एप्पल लोगो आईफोन 6 लीकेज कंडीशन, यहाँ पर आपको सही तरीके से गाइडेंस मिलेगा। यहाँ पे आपको पूरा प्रैक्टिकली हम उसको देखें, तो यहाँ पे हमारी होम स्क्रीन आ गई, यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे होंगे, ये देखिए हमारा टच भी वर्किंग है यहाँ पर, और अब हमारा जो बैटरी है वो बिल्कुल सही काम करेगा, जो कि लीकेज नहीं होगा। सो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप सब्सक्राइबिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए आपको पता है मैं कभी नहीं बोलता चैनल को सब्सक्राइब करो, पर मैं अभी बोल लूंगा चैनल को, जिन्होंने देख रहे हैं नवे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही हमें प्रेरित करें कि हम और अच्छे वीडियो बनाएं। जो हमारे बाकी के चैनल है, शेख फिरोज हमारे एक चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, हमारे स्मार्ट टेलीकॉम है उसको सब्सक्राइब करें, और हमारे YouTube के और भी अलग चैनल हैं, जाइए उसको सब्सक्राइब करें, नीचे आपको लिंक में सारे लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972.
Download mobile free repairing Android apps. Link in description.